ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में अध्यक्षता गैर आदिवासी नहीं कर सकता है, ये रूल है कि जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनेगी उसकी अध्यक्षता करेगा ट्राइबल, यानी कि आदिवासियों का नेतृत्व करेगा आदिवासी, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी खुद बन जाते हैं और मुख्यमंत्री जी दावे करते हैं कि भाई हम उनकी भलाई करेंगे, लेकिन भलाई अगर होती तो उनको खुद नहीं लड़ना पड़ता। ट्राइबल सब प्लान है, अरबों रुपए का बंदरवाड़ जारी है, साहूकारी आदिवासी जमीनों की फर्जीवाड़ी जारी है, ये आपके मुद्दे हैं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, ये लोकतंत्र, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया तो सुनिश्चित किया था कि जिनके पास वोट होगा उनका राज होगा। मैं इसलिए यहाँ आया सारे काम छोड़ के, क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों ने लड़ने की शुरुआत की है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आए, और जब भी कोई अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आएगा तो सबसे पहले उसका साथ देने के लिए चंद्रशेखर खड़ा रहेगा। मैं सिर्फ आपको बताने आया हूँ, बड़े पैमाने पे नौजवान है, नौजवान इस देश में गुलाम नहीं है, ना इस प्रदेश में गुलाम है और ना ही जवानी को गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन नौजवान अपना हौसला खोए बैठे इस बात के साथ, उनको लगता है कि उनकी तकदीर का फैसला कोई दूसरा करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अपने आप से खुद से सवाल करें कि अगर नौजवानों के बारे में कोई सोच रहा होता, महिलाओं के बारे में कोई सोच रहा होता, दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान जैन सिख बौद्ध पारसी किसी के बारे में कोई सोच रहा होता तो क्या आपका जीवन नहीं बदल सके? क्या आपको प्लान करना पड़ता क्या? क्या आपके हक अधिकारों पर डाका डाला जाता क्या? आज अगर आप बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं और अपने देश अपने प्रदेश में गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, इसके पीछे कौन है कारण? चाहता हूँ आप ये बताओ, एक नौजवान जो देश की सीमा की रक्षा कर सकता है वो क्या अपने प्रदेश में परिवर्तन के लिए नहीं लड़ सकता? आप बताओ मुझे, वो नौजवान जिस पे अपने माँ बाप का भरोसा होता है, समाज का भरोसा होता है, उस प्रदेश का भरोसा होता है कि ये मेरे आने वाला कल है, उम्मीद है, ये परिवर्तन करेगा, ये हमारी जिंदगी सुधारेगा, क्या वो नौजवान आगे बढ़ के अपने प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है क्या? मुझे अभी बताया गया कि ये चंद्रशेखर आजाद जी की धरती है, वो मुझसे कह रहे हैं कि आप कहो कि चंद्रशेखर आजाद जी की धरती से चंद्रशेखर आह्वान करता। मैं कह रहा हूँ हर एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद है जो गुलामी की बेटियां क्या जब देश को गुलाम बनाया गया था तो उसकी आजादी के लिए नौजवान नहीं लड़े थे क्या? जिन लोगों ने पंडित चंद्रशेखर आजाद हो या शहीद आजम सरदार भगत सिंह हो, क्या उन्होंने अपनी जान देते हुए सोचा था कि ऐसा देश बनेगा हमारा कि वहाँ गैर बराबरी इतने बड़े चरम सीमा पर है कि वहाँ धर्म जाति का युद्ध होगा, वहाँ पशु के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हत्याएं होंगी, वहाँ महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? 70 साल के लोकतंत्र में आज भी महिलाएं रात को 10 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकती। कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप और किसके पास अधिकार है? क्या आप समझते हैं कि यह आजादी है कि आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं? ये तो जानवर भी लेता है। आजादी वो होती है कि आप अपनी तकदीर का फैसला, अपने भविष्य का फैसला खुद करें। क्या आपके पास अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार है? आप अपने मन का रोजगार नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, अपने मन की सुविधाएं नहीं ले सकते, अपने मन से घूम नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, तो ये लोकतंत्र कहाँ है और यहाँ अधिकार कहाँ है? आज बच्चे पढ़ रहे हैं कि कल वो आगे बढ़ेंगे, सरकार डिपार्टमेंट खत्म कर रही है, कहाँ से मिलेगी सरकारी नौकरी? और एक तरफ तमाम तरह का प्राइवेट सेक्टर खड़ा किया जा रहा है, एक तरफ सरकारी स्कूल, एक तरफ प्राइवेट स्कूल है। कितने लोग यहाँ खड़े हाथ उठा के बताओ जो 20,000 रुपए 25,000 रुपए महीने की पढ़ाई का खर्चा अपने बच्चों का उठा रहे थे? हाथ उठा के बताओ, ऐसे हिलाओ मत, बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। कितने ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकते हैं, बताइए? तो जब इतना बड़ा समाज तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित है तो सरकार किसके लिए काम कर रही है? अगर सरकार आपकी होती तो आपके लिए काम करती, सरकार को आपका दर्द होता, वो आपके दुख तकलीफों को समझती, आपके लिए काम करती। और अगर सरकार आपके आंसू से पिघलती, सरकार आपके लाश से पिघलती, सरकार आपके दुख दर्द से पिघलती तो शायद आपका भला हो गया होता। सरकार नहीं पिघलेगी क्योंकि आपको अपने मुकद्दर का फैसला लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मौका आपके पास आ गया है। मेरी पाई बाजू पे चौपट विधानसभा के नौजवान प्रत्याशी हैं जिनको यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि जब पैसा लड़ने के लिए नहीं है तो क्यों लड़ रहे हो चुनाव?
तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पैसे वाले चुनाव लड़ेंगे तो क्या गरीब का बेटा कोई सपना नहीं दे सकता इस मध्य प्रदेश में, देश में? बताइए, क्या कोई गरीब का बेटा अपना सपना नहीं दे सकता है? और ये कहा जाता है पीछे अधिकारियों ने कहा 3 गाड़ी जाएंगी, रोक लगा दी। अरे उनको तो रोक नहीं लगाते जो भ्रष्टाचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, झूठे वादे करते हैं, उन पे तो रोक नहीं लगाते, हम पे रोक लगाते हैं। लगाओ रोक, हम अपने पैरों में पड़ी हुई सारी बेड़ियों को डायनामाइट से उड़ा देंगे। समझिए और जानिए, ये लोकतंत्र है, जिसके पास वोट होगी उसका राज होगा। 95% वोट आपकी है, राज किससे होना चाहिए? 5वीं अनुसूची क्यों नहीं लागू होती? अगर उनको करनी होती तो 71 साल में कर दी होती, क्यों नहीं लागू होती पता है? क्योंकि जब वो लागू होगी तो आपको अधिकार मिलेंगे, और जब आपको अधिकार मिलेंगे तो आपकी वोट को छीना नहीं जाएगा, आपकी वोट को पैसों में खरीदा नहीं जाएगा, आपकी संपत्तियों पे कब्जा नहीं किया जाएगा, आपको गुलाम नहीं बनाया जाएगा। वो डरते हैं आपकी तरक्की से। क्या आप भी अपनी तरक्की के खिलाफ है? आप अपनी तरक्की नहीं चाहते हैं क्या? आप नहीं चाहते कि जो क्षेत्र आपका है उसके फैसले करने का अधिकार भी आपके हाथ में हो? जिन समस्याओं के लिए आप सरकार के आगे हाथ फैला रहे हैं, क्या आप उनको बदल नहीं सकते हैं? देखिए, लोकतंत्र में मैंने कहा जिसके पास वोट होगा उसका राज होगा, लेकिन वोट आपके पास है, राज दूसरे का है। मैं ये बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ कि वोट आपका है, राज भी आपका होगा, बस आपको जागना पड़ेगा। आप तय करें, आप तय करें और अपना फैसला खुद करें। और आप ये भी देखें कि तमाम सरकारें आ रही हैं, अगर उन सरकारों का आपके लिए कुछ करना होता तो उन्होंने कर दिया होता। मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, मेरी फ्लाइट है, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार है, ये आपको धोखा नहीं देगा। और ये अगर आपको धोखा देने का प्रयास करेगा तो मेरे लिए इसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन चंद्रशेखर आजाद होगा, मेरी जबान है आपको। मैं यहाँ राजनीति को, भ्रष्टाचार को, उस भ्रष्टाचार की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए नहीं, जो लोग राजनीति को बुरा समझ के दूर बैठे हुए हैं उनको ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर आप चाहते हैं इसको सही करना तो आपको इसमें उतरना पड़ेगा, और अगर आप इसमें नहीं उतरेंगे तो भ्रष्टाचारी लोग, झूठे लोग, मक्कार लोग, ये लोग ऐसी राजनीति करेंगे जिससे आपके जीवन में कुछ भी तब्दील नहीं होगा। और अगर आज भी 71 साल के लोकतंत्र में एक तरफ अमीर अमीर बना हुआ और गरीब गरीब बना हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार गरीब है, क्योंकि वो अपनी बेड़ियां नहीं काटना चाहता। और अगर महिलाएं नहीं चाहती कि वो सुरक्षित रहे तो उनको उनको इस गुलामी की जिंदगी को जीने का अधिकार है। अगर वो चाहते हैं सुरक्षा करना तो उनको भागीदारी करनी पड़ेगी और उनको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना लड़े यहाँ कुछ नहीं मिलता, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अपने अधिकार छीनने पड़ते हैं। और अगर नीमावर आपको याद है, अगर आपको नीमच याद है, और अगर आपको अपने लोगों की लाशें याद है, तकलीफें याद है, अपने ऊपर हुई हुई जुर्म जाती याद है, तो आइए और हो जाइए खड़े, लिखिए फैसला। ये उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव नहीं, ये कल का पैगाम है कि हम कल क्या करने वाले हैं। हम जिनके भरोसे थे उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने हमारा काम नहीं किया, अब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के रास्ते खुद चुनेंगे, और अपनों को नहीं, हर उस व्यक्ति के, मध्य प्रदेश के व्यक्ति के फैसले करेंगे जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, सताया गया है, जिसके अधिकार छीने गए। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप गरीब जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं, आप मेहनत करते हैं, पहाड़ का सीना चीर के आप अपने बच्चों के पेट पालते हैं, आप इस देश की तरक्की में टैक्स देके योगदान देते हैं, लेकिन ये नेता आपके पैसों से बंगले बनाते हैं, महल बनाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके दुख दूर नहीं करते। तो आपको अपने दुखों को अगर दूर करना है तो उसकी उसका फैसला आपको खुद करके उस दुखों को खत्म करने के लिए अब सत्ता में आपको काबिज होना पड़ेगा। माननीय काशीराम साहब कहते थे, जो शासक नहीं होते उनको अत्याचार भी सहना पड़ता है, उनकी बहन बेटियों के साथ बुरे काम भी होते हैं, उनके साथ अन्याय भी होता है, उनकी पगड़ी भी उछाली जाती है और उनको बेबस कमजोर भी बनाया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं नौजवान साथियों, मेरा आखिरी संदेश है आपसे, कब तक गुलामी सहोगे बताओ? क्या तकलीफ होती है नहीं होती है? क्या इस बेबसी गुलामी की जिंदगी काटना चाहते हो नहीं काटना चाहते हो? क्या अपने फैसले स्वयं करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ कि आप ललकार करते हो नहीं करते हो? आप ललकार करते हो तो मेरे इस बात को याद रखना, 30 तारीख में चुनाव बताओ, 30 तारीख में चुनाव, मैं आपसे मांगने आया हूँ,
अपना अधिकार, क्योंकि हम लोग लड़ते हैं। और मैं ये आप मांगना चाहता हूं आपसे कि आने वाले 2-3 दिन सोना मत, बस गांव गांव जाके लोगों को बताने का काम करना कि अब की बार हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, किसी के भरोसे नहीं लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हम जीतेंगे। और हमारे